हेलो गुड मॉर्निंग, कैसा आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो भाई साहब, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है गांव से। आप देख सकते हैं मैं अभी कल ही गांव आया हूँ, तो मैंने अभी उसका आने का व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मतलब मेरे को छंद नहीं बैठा व्लॉग बनाने का, इसलिए मैंने वहाँ से स्टार्ट भी नहीं किया। कल मैं बस में आया हूँ, गाड़ी में भी नहीं आया। तो अभी यहाँ पे धूप आ चुकी है, मैं मस्त आधे घंटे से यहाँ पे धूप सेक रहा हूँ। और अभी मेरी सुबह में और हिमांशु से बात हुई है श्रीनगर में, तो वहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं है। मतलब ऐसा हो रखा है वहाँ पे अंधेरा, मुझे लग रहा है श्रीनगर और चारास को श्राप मिला है कि 10-11 बजे पहले सर्दियों में वहाँ पे धूप नहीं आने वाली। तो अभी यहाँ पे भाई मस्त मार के मैं धूप सेक रहा हूँ और सामने के नज़ारे निहार रहे हैं भाई छत में बैठ के। अभी देख सकते हैं आप, अभी इतनी ऊपर चली गई धूप, यानी कि मतलब काफ़ी देर पहले धूप आ चुकी थी वो देख सकते हैं वहाँ। यहाँ पे भाई अभी मैं खांकरा जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी वहाँ से कुछ कट्टे लेके आने और बैंक में थोड़ा बहुत काम है, उस काम को निपटाता हूँ और तो फटाफट निकलता हूँ। अभी मतलब सुबह हो ही है, मैं जस्ट अभी अपने काम शुरू ही कर रहा था। काम तो क्या कर रहा था, थोड़ी बहुत सफाई करनी थी, वो भी नहीं हो पाएगी क्योंकि मुझे खांकरा जाना है। तो खांकरा के काम निपटाऊंगा, मुझे लगता है आज दिन पूरा वहीं निकल जाएगा। 12-1 तो बज ही जाएंगे क्योंकि जिस गाड़ी में मुझे सामान लाने वो आती है 12 बजे करीबन। मतलब दादाजी बोल तो रहे हैं 11:30, पर मुझे लगता है 11:30 क्योंकि कल जब मैं आ रहा था 12 बजे करीबन, तो उसकी मेरे बाद ही वो गाड़ी आई है। तो जब वो गाड़ी आ जाएगी फिर उसके उसमें सामान लेकर आऊँगा, या मुझे अगर पहले कोई गाड़ी मिल गई तो पहले लाऊँगा, सामान ही तो लाना है। फिर उसके बाद थोड़ा बैंक में भी काम है दादी का, तो मैं जा रहा हूँ बैंक से फटाफट। अभी पहले नाश्ता कर लेता हूँ, मम्मी नाश्ता बन चुका है ना, अभी नाश्ता करता हूँ, मिलता हूँ आपको नाश्ता करने के बाद। यहाँ पे भाई मेरा नाश्ता भी हो चुका है और यहाँ पे भाई अब थोड़ा बहुत हाथ मुँह धुल लेता हूँ यार, बाल्टी में पानी लेके जाते हैं। और यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं धूप यहीं पर आ जाती है, घर पर ही धूप आ जाती है। तो अभी चूल्हे से पानी ले जाते हैं, भाई चूल्हे में पानी मिल जाता है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ पे भाई ये पानी बाहर ला चुका हूँ और इसमें मैंने पानी रख दिया। तो अभी फटाफट साबुन वगैरह लेके आता हूँ और फोन वहाँ पे लगाते हैं टाइम लैप्स पे। हाथ पैर भी धुल लिया, मतलब हाथ मुंह धुल लिया सॉरी। और अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत सफाई भी कर दिया, पानी डाल दिया है, पानी की बहुत कम आता है यहाँ पे। विंड चेटर उतार दिया, मैं सोच रहा हूँ अब मुझे पूरा वही कपड़े पहन के डाल के जाना पड़ेगा जो मैं कल पहन के आया, क्योंकि मैं दूसरे कोई जीन्स वगैरह लाया नहीं हूँ जो मैं उसके साथ पहनूँ। और वो मेरा जो लोअर है वो ब्लू कलर का है, ऊपर विंड चेटर भी ब्लू कलर का, पूरा आउटफिट टाइप का है ना। तो मैं इसके साथ ब्लू पहनूंगा तो फिर वो बहुत अजीब लगेगा, तो मुझे पूरा वही पहन के जाना पड़ेगा। अब यार मेरा मन नहीं हो रहा है वो पहनने का। और अभी आपको नीचे भी लेके जाऊंगा भाई, खेतों में नीचे जालियां लग रही है वो दिखाने के लिए। तो भाई अभी यहाँ पे ना मैं मतलब तैयार वगैरह हो चुका हूँ। अभी देखना आप कैमरा शेक हो रहा होगा क्योंकि मैंने ट्राईपॉड हटा दिया है यार, इसका ये नीचे वाला स्टैंड ना निकल रहा है जिस वजह से मेरा फ़ोन स्लिप हो रहा है। डर लग रही है क्योंकि नया फोन है भाई, गिर भी जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, फटाफट निकल रहा हूँ, इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि दादाजी आ गए तो मुझे डांट पड़ेगी और ये मुझ पर लात मारता है, इसने पहले भी लात मारी थी जिसको देख के डर लगती है। अरे अभी दादी गौशाला पे और मैं जा रहा हूँ भाई खांकरा, मुझे ये वाले कपड़े पहनने पड़े यार क्योंकि वो वाले कपड़े उसमें ऊपर नीचे कलर का डिफरेंस हो रहा था। दादी मैं चल गई हूँ वा, अभी नीचे तो मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मतलब मुझे ऊपर आते हुए 2 कट्टे लेके आने हैं यार, राशन की मुझे उसी बात की दिक्कत हो रही है। और अभी मस्त मार के धूप सेकते सेकते जाऊँगा भाई आराम से। वैसे दादी ने बोला तो है जल्दी चले जाना, पर बैंक मुझे लगता नहीं इतनी जल्दी खुलता होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं है गाँव के बैंक का। अभी भाई पिछली वाली क्लिप थोड़ी ब्लर हो गई थी, मैंने देखा पता नहीं कैसे हो गई, दोबारा ब्लर ना हो जाए। तो मैं अभी कम से कम कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैमरा कम हिलाऊं, बहुत दिक्कत हो रही है ना क्योंकि ट्राईपॉड में बहुत सी स्टेबिलिटी आ रही है, तो मुझे अब सोचना पड़ेगा दूसरा ट्राईपॉड लेने का, ये तो ख़राब हो चुका है। अभी हमने हाल ही में बड़ा वाला ट्राईपॉड लिया जिस वजह से थोड़ा टाइम लगेगा दूसरा वाला लेने के लिए। देखते हैं अभी जंगली मुर्गों की आवाज़, कोई बात नहीं उन्हें भी अपनी ज़िंदगी, अगर मैं अभी शांत हो जाऊँगा ना एकदम सुनसान हो जाता है। खाली यहाँ पे नेचर का साउंड सुनाई देता है, चाहे वो गधेरे की आवाज़ हो, जंगली जानवर, आजकल पतझड़ का मौसम है जिस वजह से छोटा सा भी पक्षी अगर जाते हैं ना बहुत शोर होता है। नहीं रोकी मैंने गाड़ी, पैदल जा रहा हूँ यार मस्त मजे से धूप सेकते सेकते। और यहाँ पे अभी एक नेवला ही होगा पता नहीं क्या बोलता हूँ उसको, मैंने एक बार यहाँ पे देखा भी था, वो मर रखा था वो जानवर। और भाई कैमरे में कैद हो जाता वो अगर मैं थोड़ी देर पहले, स्कूटी वाले ने डिस्टर्ब कर दिया मुझे, मैं कैमरा खोल ही रहा था भाई पीपल के पेड़ में। आपसे बोल ही रहा था कि कैमरा ब्लर हो रहा है, और वो पिछली वाली क्लिप जिसमें जहाँ पे मैं बोल ही रहा हूँ कि कैमरा ब्लर हुआ है वहीं पे कैमरा ब्लर हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है ये। और यहीं पे भाई उसने अभी रोड क्रॉस करी है, अभी यहीं पे तो था भाई, काटता वगैरह तो नहीं होगा वो, मुझे कुछ आइडिया है भी नहीं उसके बारे में। देख सकते हैं आप बंदर, ये देखो बंदर, उसे गाँव के बंदर है, कुछ करेंगे नहीं पर काट सकता है यार, कोई भरोसा नहीं है गाँव के बंदरों पर, थोड़ा बहुत भरोसा है। देखो ये हमको देख के डर तो जाते हैं, भाग रहा है। गांव के बंदर इंसानों को देख के डरते हैं यार, शहरों की नहीं।
मैंने यहाँ पे लेंस वगैरह भी हटा दिया। अब मैं भाई अपने हाथ ही इतना वाइड कर रहा हूँ कि जिस वजह से वाइड एंगल आए लेंस में, पता नहीं क्या हो रहा है, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा कसम से। इतना भारी सेटअप लेने में हमारे दूसरे वाले फ़ोन में सही है, जो दूसरे वाले फ़ोन से हम वीडियो बनाते हैं उसमें वाइड एंगल ऑलरेडी है, वाइड एंगल लेंस, और वो हमारे इस वाइड एंगल लेंस से ज़्यादा वाइड है। ये पॉइंट कुछ mm है और वो 0.5 mm, पता नहीं कितने mm का है, वो ज़्यादा वाइड है हमारे इस वाले वाइड एंगल लेंस से ज़्यादा। तो इसमें तो है नहीं भाई, आपके फ़ोनों में वाइड एंगल नहीं आता है, आता है तो वो बहुत महंगा आता है। 4K वाइड एंगल ये बहुत ही रेयर चीज़ हो चुकी है फ़ोन में भाई, कोई ध्यान देता है नहीं उस पर। सबको मतलब ये सबको ये चीज़ होता है कि क्लियर फोटो आनी चाहिए, बाकी ऐसे वीडियो वगैरह पे कोई ध्यान देता नहीं है, FPS पे कोई ध्यान देता नहीं है। तो अभी मैं भाई साहब यहाँ पे खांकरा भी पहुँच चुका हूँ और मुझे अभी सामने बैंक भी दिखने लगता है, वहाँ पे शायद बैंक शिफ्ट हो चुका है जहाँ तक मुझे आइडिया है पहले का। और ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप का खांकरा भाई, और अभी मुझे बैंक में जाना है तो फटाफट बैंक में चलते हैं और मैं आपको मिलता हूँ भाई सीधा बैंक का काम निपटाने के बाद, क्योंकि भाई अब मतलब कसम से बिल्कुल अब यहाँ पे ब्लॉग बन नहीं पाता है, या तो काम ही हो पाएगा तो ब्लॉग ही बन पाएगा, क्योंकि मुझे कट्टे भी सारने हैं और काम भी करने। और कल यहाँ पे भाई एक इंसिडेंट हुआ जो ऊपर आप देख सकते हैं, तार जा रही है दिखाई नहीं देगी क्योंकि यहाँ पे ट्रॉली जाती है ना, ऊपर टावर बन रहा है तो उससे कल नीचे सामान गिर गया। मैं यहाँ से फटाफट निकलता हूँ भाई, मैं डर गया, यहाँ से फटाफट निकल जाता हूँ, मेरे ऊपर सर में ना गिर जाएगा कहीं सामान ऊपर से। यहाँ पर ये बैंक है और यहाँ से आप खांकरा का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, ये भाई खांकरा है पूरा उधर तक आगे तक, और ये रोड हमारे गाँव के लिए जाती है। यहाँ से बस हमारा गाँव 1 ही किलोमीटर है, ये NH 58 है, यहाँ से बस एक डेढ़ किलोमीटर। यहाँ पे अभी कट्टे भी इधर रख दिए हैं और गाड़ी भी आ चुकी है सामने पर, योगेश भाई भी आ चुके हैं वाइट ड्यूटी से, तो उस गाड़ी में हम सामान लेके जाएंगे वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे भाई लगभग आधे घंटे पहले मैं खांकरा से भी आ चुका हूँ, थोड़ा घर पे रेस्ट किया क्योंकि सामान ज़्यादा था, मतलब मैंने जो कट्टे थे वो घर पे डाले, उसके बाद भाई कंधे में दर्द हो गया पूरा। तो अभी मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि हमारे जो खेत हैं मतलब जो पूरे गांव के खेत हैं उनके किनारे जालियाँ लग रही है, तो मैं देखने जा रहा हूँ भाई किस टाइप की जालियाँ लग रही है और किस काम के लिए वो जालियाँ हैं। और अभी नहर में भाई आजकल भी काफ़ी पानी हम देख सकते हैं, जबकि आजकल गदरे में पानी नहीं है फिर भी काफ़ी पानी है। और ये यहाँ पे देखो आलू वगैरह हो रखे हैं, आजकल भाई गेहूँ की बुताई हो चुकी है लगभग, मतलब थोड़े बहुत गेहूं यहाँ पे उग भी चुके हैं। तो अभी फटाफट जाते हैं भाई नीचे खेतों की तरफ, मैं आपको अभी नीचे दिखाता हूँ जहाँ पे हमने हल लगाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस खेत में ये गेहूं जम रखे हैं ना पूरे, ये सब गेहूं जम रखे हैं यहाँ पे। और अभी मैं जा ही रहा हूँ नीचे खेतों की तरफ, तो मैंने अभी वो जालियाँ देखी भी नहीं है, अगर सही होंगी तो मतलब ये है ना थोड़ा जंगली जानवरों से जो खेतों का मतलब जो बचाव है वो हो जाएगा काफ़ी अच्छा खासा। तो अभी जा रहा हूँ भाई यहाँ पे, भाई मैं अपने खेत के ऊपर पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने अपने जो कुछ टाइम पहले ट्रैक्टर से हल लगाया था, रोपाई भी करी थी, मतलब बहुत कुछ हुआ है इस खेत में, तो आपने वो पुरानी वीडियोस में देख लेना हमारे चैनल पे है। मतलब यहाँ पे हमने पिछले साल की गेहूं से लेकर, और ये नया इस बार तो मैंने मतलब अभी हमारे चैनल पे मतलब गेहूं की जो कटाई होती है वो वाला व्लॉग नहीं आ पाया है, क्योंकि इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि अभी जाके चैनल को कुछ टाइम में मतलब एक साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि शायद मेरे हिसाब से वो वाला व्लॉग उस टाइम पे हम व्लॉग्स नहीं बनाते थे जिस टाइम पे गेहूं की कटाई होती थी, नहीं हम गेहूं व्लॉग्स बनाते थे, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, व्लॉग हम बनाते थे पर उस टाइम पे हम उसको हमारा स्कूल होता है, पर इस टाइम पे हमारा स्कूल नहीं है क्योंकि पिछले साल हमारा 20 मार्च से हमारी 12th क्लास की जो क्लासेस थी वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा खेत है, मतलब ये हमारे खेत में इसलिए लग रही है क्योंकि हमारा खेत जो गांव के सारे खेत हैं उनसे सबसे लास्ट में हमारा खेत है, और हमारे खेत के नीचे से ये जालियाँ लग रही हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे। अभी नीचे चल के आपको पूरा दिखाऊंगा मैं। तो अभी यहाँ पे भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपने खेत में, ये भी हमारा खेत है और ये नीचे वाला इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पे जालियाँ लग रही हैं, ये तो कुछ जाल वगैरह, बाकी वो नीचे जो लगी हैं वो जालियाँ हैं पूरी वहाँ तक साइड ही साइड बाउंड्री से दिख रही होंगी आपको, ये देखिए ये वो जालियाँ हैं और ये पूरे गाँव के किनारे नीचे से लेकर चारों ओर मतलब ये फेंसिंग हो रही है जिस वजह से जंगली जानवर जैसे सूअर वगैरह वो ना आ सके खेत में। और अभी हमारे खेत में लग रही है, ये वाला हमारा खेत है ना, इसमें इसलिए लग रही क्योंकि इसके नीचे दूसरा खेत है तो उस वाले खेत में लगेगी, जैसे वो जाली वहाँ से नीचे जा रही है, अभी वहाँ से धूप आ रही है ना इस वजह से आपको दिख नहीं रही होगी, और ये जाली यहाँ से लगते हुए पूरे गांव को 360 में कवर करेगी। तो चलो ये सही है ना, इसकी वजह से एक चीज़ और हो जाएगी, जो मतलब जंगली जानवर थे उनसे गांव वालों को थोड़ा सा मतलब राहत मिलेगी, वैसे राहत तो मिलने से क्या है, ये नीचे से बाउंड्री लग रही है, नीचे से बाउंड्री लगाने का थोड़ा बहुत फ़ायदा है, वैसे भी जंगली जानवर नीचे से थोड़ी ना आते हैं, जंगली जानवर आते हैं ऊपर से, तो ये है बस उनको थोड़ा सा आतंक कम हो जाएगा, बंदरों के लिए तो कुछ भी नहीं है भाई, बंदर तो इसमें चढ़ के आ जाएंगे, बंदरों के लिए तो ये नहीं है, बाकी जो वो हैं क्या बोलते हैं सूअर वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी, क्योंकि सूअरों ने बहुत परेशान किया था भाई जंगली सूअरों ने, अब वो नीचे से नहीं आ पाएंगे, ऊपर से तो आ जाएंगे, खैर ऊपर से आना कौन सी बड़ी बात है, और वहाँ पर देख सकते हैं आप आसमान में बाज उड़ रहे हैं, दिखाई देगा क्या,
फोकस नहीं ले रहा है कैमरा, वहाँ ऊपर पे देख सकते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ये पूरा गांव है, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे खेत हैं। बहुत टाइम बाद आना हुआ है भाई इस खेत में, मतलब इस खेत में पहले हमारी रुपाई होती थी, अभी तो शायद दादा ने चरी वगैरह बोई है जो कि घास के काम आती है, और यहाँ पे हमारी नर्सरी भी होती है कभी कभार। अभी शायद हाल ही में पेड़ निकाले गए हैं यहाँ से, और ये पूरा हमारा खेत है। एक खेत वहाँ पे जहाँ पे वो झोपड़ी है उसके नीचे है, और ठीक उस झोपड़ी के इस साइड जो वो वाली झोपड़ी है उसके ठीक नीचे हमारा खेत है, और यही दो तीन खेत हमारे यहाँ पे। बाकी हमारे खेत उस साइड है, मतलब जो बीच में गदेरा होता है फिर उसके उस साइड जहाँ पे वो पहाड़ है वहाँ पे हमारे खेत हैं बाकी। तो अभी यहाँ से भाई खेत से निकलते हैं, और जब अगली बार आएंगे तो यहाँ पे यार ये क्या है देख लो, इन्होंने मछली पकड़ने का जाल रखा है यार, बहुत गलत बात है। मछली का शिकार कर रहे हैं बेचारे, बेचारे क्यों बेचारी तो मछलियाँ हो गई ना, यहाँ नीचे पे जहाँ पे हम नहाने जाते हैं ना वहाँ पे थोड़ा मछली पकड़ने के लिए सही है, तो वहीं पकड़ते होंगे ये लोग मछलियाँ। चलो कोई नहीं, छोड़ो हमें क्या है, वैसे नहीं माननी चाहिए मछलियाँ। तो क्या बोलते हैं कि हाँ, जब मैं अगली बार आऊँगा यानी कि मार्च में आऊँगा, मार्च में ट्वेल्थ क्लास के जो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम है वो 12 मार्च को ख़त्म है, तो उसके बाद ही मैं यहाँ गाँव आऊँगा। तब तक देखना भाई साहब जो खेत हैं एकदम हरे भरे, मतलब मेरी हाइट के बराबर गेहूँ हो चुके होंगे एकदम लहरा भी। भाई मैं यहाँ पे जब ऊपर आ रहा था तो जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा था ना उसकी दोनों, मतलब जो वो फेंसिंग वगैरह हो रही उसकी वीडियो बना रहा था, उन्होंने मेरे से पूछा भाई आप सर्वे कर रहे हो क्या, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। मैंने सोचा क्या क्या बोलूँ, मैंने हाँ बोल दिया, तो वो बोल रहे अच्छा अच्छा। मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने कब तक फाइनल हो जाएगा, वो लोग बोल रहे हैं देखो वाला अभी लगे हुए हैं। उनको लगा मैं सर्वे कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा था ना इसलिए। और अब भाई यहाँ पे सनसेट भी हो चुका है, इस साइड नीचे धूप चली गई है, हमारे गांव में थोड़ा सा ठंडा माहौल है, जल्दी धूप चले जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं यही बैलों से मैंने रोपाई करी थी, रोपाई वाला वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो चैनल पे मिल जाएगा। हेलो ब्रो, पहचान रहे हो मेरे को, मारेगा क्या ये? अभी वो दोनों घास खा रहे हैं तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे यार। तो अभी भाई मैं यहाँ पे ऊपर पहुँचूंगा, धारा में थकान लग चुकी है भाई इतना चल चल के। और यहाँ पे भाई आप गोभी बहेगी, बाइक देख सकते हैं एकदम भाई स्प्लेंडर है, एकदम मॉडिफाई करेगी, सिद्धू मूसे वाले के पहने भैया, पता नहीं क्या क्या लिखा रखा है, एकदम मस्त लग रही है भाई बाइक। तो अभी भाई मैंने यहाँ पे वीडियो वगैरह भी एडिट कर लिया है, और अभी ये फाइनल क्लिप में डालने वाला था, तो आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ एक चीज़ आपको बताना ही भूल गया, अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये सौरभ भैया लोगों का नया घर बना है, जिसका कि होम टूर आपको जल्दी दूंगा मैं, जब सौरभ भैया का घर बन जाएगा तब तक हम मतलब तब तक मेरे बोर्ड एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। और यहाँ से नीचे भाई बहुत गहरा है तो इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा, बहुत मतलब नीचे ये फर्स्ट फ्लोर है ना, तो इसलिए मैं यहाँ से नीचे भाई मतलब बहुत नीचे ज़मीन है। और यहाँ पे पुराना वाला घर आपने सौरभ भैया लोगों का देखा होगा, मेरी पुरानी वीडियोस में देख लेना। और अब नीचे से दिखाऊंगा आपको एक बार जब घर बन जाएगा, अभी तो बन रहा है, तब तक के लिए आपके लिए सस्पेंस। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ पर सौरभ भैया लोगों के घर से भाई पूरा गाँव दिखता है यहाँ से, देख सकते हैं अब ये ऊपर वाले से लेकर पूरा नीचे तक हमारा गाँव, वहाँ पर मेरा घर है, और यहाँ से पूरा नीचे 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 और वहाँ पर खेत भी दिखते हैं पूरे। अभी भाई दादी मेरे को पूछ रही है कि तू क्या कर रहा है, तो उनको बता रहा था मैं वीडियो बना, दादी ने बोला मुझे भी निकालो। वाह यहाँ से क्या प्यारा व्यू आ रहा है यार पूरे गांव का। तो मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये वीडियो क्लोज ही नहीं होने वाली। बाय।